बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा नजम जहरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खैर आफियत से होंगे। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको एक केस के हवाले से अपडेट करना था कि जो हमने कल गुज़िश्ता जो रात गुज़री है एक केस आपको डिटेल के साथ पेश की थी उसकी रिपोर्ट के एक मौलवी ने जो हाफिज़े कुरान है उसने किस तरह से अपनी कम उम्र बीवी को तशद्दुद करके जो है कत्ल किया और कत्ल करने के बाद उसको फंदे पे लटकाया और उसको ख़ुदकुशी का रंग दे दिया। तमाम तर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जो कुछ डॉक्टर्स ने बताया कि बच्ची के गर्दन पे जो है गला दबा के मारने के जो निशानात हैं वो वाज़े हैं, अंगूठे का निशान और बच्ची की पसली भी टूटी हुई है और अंदरूनी जो है उसको चोट उसके जिस्म पे है जो उसकी बॉडी पर उसकी वालदा ने ख़ुद अपनी आँखों से देखी। लेकिन अफसोस के हमारी पुलिस जो है गुलशन पुलिस उन तमाम चीज़ों को जो है वो अपनी तफ्तीशी रिपोर्ट में उन्होंने ज़िक्र नहीं किया और उसको छुपा गए। और कहा यह जाता है कि गुलशन पुलिस की साजबाज से वो सीसीटीवी कैमरास जो सीढ़ियों से लेके बच्ची के बेडरूम के बाहर तक लगे हुए थे उनकी जो सीसीटीवी फुटेज थी वो वैसे तो पूरे महीने की मौजूद थी, लेकिन जिस रोज़ बच्ची का कत्ल हुआ है उस रोज़ यानी 27 जून की जो सीसीटीवी फुटेज हैं वो बाकायदा डिलीट हैं सिर्फ़ एक ही दिन की। और पुलिस ने ये तमाम तर शवाहिद देखने के बावजूद ख़ुद पुलिस ने वहाँ जाके बच्ची के कमरे से जो तस्वीरें खींची हैं वो हमने आपको दिखाई भी थी कि बच्ची का जो एक पैर है ज़मीन पर है और दूसरा पैर जो है वो बेड पर है, यानी कि अगर बच्ची ख़ुदकुशी करती तो उसके लिए ज़रूरी था कि बच्ची कम से कम आधा से एक फुट जो है ज़मीन से ऊपर लटकी होती, बच्ची की ज़बान जो है वो बाहर होती और आंखें भी किसी हद तक खुली होती हैं बाहर होती हैं। तो नाज़रीन इस केस की आज समाअत होनी थी क्योंकि लाहौर में जो ये चार मोबाइल गए थे यानी कि उस बच्ची का मोबाइल, उसकी वालदा का मोबाइल, उसके सौतेले बाप का मोबाइल और उसके शौहर का मोबाइल, आपको पता है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो लेबॉर्ट्री है मोबाइल डेटा की फ्रांसिक्स के जो तहकीकात होती है वो लाहौर में है। कराची में जो है उन्होंने माजरत कर ली थी कि हमारे पास मुकम्मल सिस्टम नहीं है, तो आईओ को अदालत ने जो है हुक्म दिया था कि फ्रांसिक्स रिपोर्ट तैयार की जाए लाहौर से और वो रिपोर्ट आके जो है अदालत में जमा है। और आईओ की तब्दीली के जो दरख्वास्त है वो भी जिब्रान नासिर साहब ने दी है और क्या वजह है कि अभी तक आईओ जो है वो तब्दील नहीं हुआ। बहरहाल ये तमाम तर सूरत हाल थी, आज समाअत होनी थी और हमें भी जाना था, आज समाअत होनी थी लेकिन आज सिटी कोर्ट में जो है वो हड़ताल हो गई है जिसकी वजह से किसी केस को सुना नहीं गया। ये तो थी इस बच्ची से मुतालिक आज की अपडेट। अब बात करेंगे मगवी कमसिन बच्ची बिनते काजमी के हवाले से, क्योंकि शेल्टर होम से जो अच्छी खबरें आई हैं यानी कि जो अब मैं उस खातून का जो मैंने नाम रखा है क्योंकि वो सबके नाम रखती है, सबकी किरदार कशी करती है, मुझे भी बुरा भला कहती है और वो जो दो उसके पालतू पिल्ले हैं उन्होंने जब से मेरी बेटी के लिए गंदी गंदी बातें कही हैं, मेरे जो मसलक के लिए बहुत ख़राब ख़राब बातें कही हैं, तो मैंने उनका नाम रखा था। मेरा हक बनता है कि मैं भी थोड़ी सी रजिस्ट्रेंस पेश करूँ, लेकिन मेरे जो देखने वाले हैं, मेरे जो आप लोग दोस्त अहबाब हैं, आप लोग जो हैं वो कहते हैं कि अब आप इनके ये नाम ना लिया करें, तो आपकी जो बात है वो सर आँखों पे, क्योंकि हम और आप एक फैमिली की तरह हैं। अगर आप मुझे कोई बात समझा रहे हैं तो यकीनन वो मेरे भले के लिए है, तो मैं जो है कोशिश करूँगी कि उन गंदे लोगों के जो गंदे गंदे नाम हैं वो ना लूँ, क्योंकि वो आपको पता है कौन से बाज़ार के गटर के कीड़े हैं। तो नाज़रीन जिस तरह से ये चाची 420
बुढ़ी खातून दावे करती है कि शेल्टर होम में इसके ताल्लुकात हैं, इसको जो है ख़बरें मिलती हैं। तो जनाब इसको ये ख़बर भी मिल गई कि बच्ची जो है वो अपने माँ बाप के लिए तड़प रही है, अपने माँ बाप के पास जाना चाहती है, और उसने इस चीज़ का इजहार इनकी प्लांटेड ख़रीदी हुई डॉक्टर जो मेंटल डिसऑर्डर थी डॉक्टर फातिमा उससे भी इजहार किया कि मुझे अपने घर जाना है, अपने अम्मी अब्बू के पास जाना है। और जब उन्होंने उसको बताया था कि तुम्हारे अम्मी अब्बू आएंगे और बच्ची ने फरमाइश की थी कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, मुझे ऐसे कपड़े चाहिए, ऐसे चाहिए, और मेरे बाबा को बोलें कि वो जल्दी मुझे यहाँ से ले जाएं, मुझसे यहाँ नहीं रहा जाता और जो है मेरा दिल नहीं लग रहा, मुझे अपने घर वापस जाना है। जब चाची 420 को अपने ज़राए से ये ख़बर मिल गई तो ये पागल हुई हुई। और आपको याद होगा मैं अगर मुमकिन हुआ तो उस वीडियो का क्लिप लगाऊंगी जिसमें ये कह रही है कि मिनते काज़मी तुम तो अपने वालदैन से मिल जाओगी, तुम तो अपने वालदैन के पास चली जाओगी और मैं फंस जाऊंगी। तो भाई चाचोई 420 आप फंस चुकी हैं और बहुत बुरी तरह फंस चुकी हैं। अब आप अपना बैंक बैलेंस शो करें, अब आप कितनी भी जो है ना खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, कल भी आप बंदरों की तरह नाच रही थी और जो है वो अजीब अजीब हरकतें कर रही थी, वो जो बेचारे होते हैं ना सिग्नलों पे खड़े हुए, आप उनकी तरह तालियां बजाती हैं, शक्ल तो आपकी उनसे मिलती है कंफर्म, आपकी शक्ल देख के जो है वो भी अल्लाह की मखलूक हैं और हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन कुदरत है खुदा की कि उनमें औरत और मर्द दोनों का लुक आता है, तो आपकी शक्ल तो उन्हीं में बहुत ज़्यादा मिल रही है। और तालियां बजा के तो बजाते हुए तो आप बिल्कुल वही लगती हैं, आप तालियां जिस वक्त मारती हैं तो बिल्कुल वही जो कहते हैं ना कि जैसे वो तालियां मार के जो है दुआएं देते हैं लोगों को, आप तो खैर दुआएँ देने के काबिल नहीं हैं, आप तो बदतमीज़ी करती हैं, आप तो लोगों के घर बर्बाद करने वाली डायन हैं जो लोगों की बच्चियों को जो है वरगला के और उनको गलत कामों पे उकसाने वाली हैं, क्योंकि आपसे तो हम खैर की उम्मीद कर ही नहीं सकते। आपने तो अपनी दो सगी छोटी बहनों को, यतीम बहनों को अपनी जो है उनको गलत काम पे लगा दिया, तो आप बिंदे काज़मी हो या पाकिस्तान की कोई और बच्ची हो, आप उसके लिए कैसे अच्छा सोच सकती हैं जब आपने अपनी सगी बहनों के लिए नहीं सोचा। खैर तो जनाब ये बिचारी जो है पागल हुई हुई है, इसने अपनी पहले वो क्लिप निकाला जिसमें ये कह रही है कि तुम तो चली जाओगी, मैं बुरी तरह फंस जाऊंगी, मेरे साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो भाई अब तो आपका एहतसाब होना है क्योंकि आप इश्तहारी भी करार दी जा चुकी हो, आपके इश्तहारात भी आ गए। अब बिचारी को कुछ नहीं बना कि इसने तमाम यूट्यूबर्स की जो है किरदार कशी भी कर ली, उनके लिए बुरा भला भी कह दिया, शाहिद हुसैन हो, मेहरीन सत्तैन हो, नजम ज़ैरा हो, मारिया अली हो, सराब बरकत हो, आपने रामे साहब हो, आपने जिसको दिल चाहा, जिसकी इज्जत उतारना चाहिए आपने अपने तई इज्जत उतारी, मगर वह तो इज्ज़ मन तो शाह हो, वह तो ज़िल्लो मन तो शाह हो, जिसे अल्लाह इज़्ज़त दे उसे कोई नहीं छीन सकता। नजम ज़हरा भी अपने मौक़िफ़ पे अपनी जगह कायम है और अल्हम्दुलिल्लाह मालिक कायनात का एहसान है, नजम ज़हरा हो, मारिया अली हो, बुशरा शकील हो, शाहिद हुसैन हो, रामे साहब हो, असद जाफरी मेरा प्यारा भाई हो, डॉक्टर शुजात हमारा फ़ख्र, डॉक्टर शुजात ने जो काम किया है सुभान अल्लाह, और महरीन सिप्तान, अल्हम्दुलिल्लाह सब अपनी अपनी जगह जो है बहुत अच्छी तरह बहुत इज्जत से कायम हैं, और अल्लाह ने हम सबको इज्जत दी है और मालिक कायनात से बहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद उम्मीद है कि वो हमें ऐसे ही साबित कदम रखेगा और इसी तरह हमें इज्जत से नवाजेगा। आपने लोगों की इज्जत से खेलना शुरू किया, इज्जत और नामूस होती है बेटी, आपने इज्जत से नामूस से खेलने की कोशिश की तो आप हर जगह जलील और रुस्वा हो रही हैं। आपको आपके ही लोगों ने, जो आपके दो पिल्ले थे जिनसे आप कभी फ़ोन करवाती थी, जिनसे आप लोगों की किरदार कशी करवाती थी, वो भी आपसे किनारा कश हो गए, और तो और 1.25 करोड़ रुपये फ़ीस लेने वाले काबिल तरीन वकील
जिनको पूरी दुनिया में लोग इज्जत देते हैं कि वो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं, मगर मीडिया पे आने से क्यों कतरा रहे थे। उनके एक दोस्त ने मुझे बताया कि पूरी दुनिया में इनको जो है इंसानियत की खिदमत के नाम से, इंसानियत का साथ खड़े होने के नाम से पहचाना जाता है, मगर ये शख्स पाकिस्तान में कम उम्र बच्चियों की शादी को प्रमोट कर रहा है, तो इसकी वहाँ पर पूरी दुनिया में जो एक साख बनी हुई है, जो एक इज्जत है, उसको ख़तरा होगा, इसलिए ये मीडिया पर नहीं आते। अब वल्ला आलम ये बात सच है या झूठ है, लेकिन ये तो हकीकत है कि पूरी दुनिया में लोग कम उम्री की शादी को बहुत बुरी नज़र से देखते हैं, और जो लोग इसको सपोर्ट करते हैं वो उनसे मिलना, उनसे बात करना पसंद नहीं करते, और पूरी दुनिया में बड़े लॉज हैं इस बारे में। तो जनाब आमिर नियाज भदेरा साहब ने सोचा इससे पहले कि मेरी इज़्ज़त खाक में मिल जाए, जो मेरा एक अच्छा नाम है मार्केट के अंदर वो ख़राब हो, तो आमिर नियाज भदेरा ने भी हाथ खड़े कर लिए और कहा कि मैं अब इस केस से मेरा कोई लेना देना नहीं है। आमिर नियाज भदेरा गए। अच्छा जी, हमारे एक सीनियर जो जज भी रहे हैं और सीनियर वकील हैं, बहुत बड़े माशाल्लाह कानूनदान हैं, और आप उनको मुख्तलिफ चैनल्स पे, मेरे चैनल्स पे भी आपने कई बार उनको देखा है, जीएन कुरैशी साहब। तो जीएन कुरैशी साहब एक अपनी वकला की कोई महफिल थी, उसमें जनाब जो मुलजम जहीर के वकील हैं जीएम फारूकी, उन्होंने बकायदा जीएन कुरैशी साहब से रिक्वेस्ट की कि आपकी बहुत इज्जत है, तमाम यूट्यूबर्स भी बहुत इज्जत करते हैं, मेहदी काजमी साहब भी बहुत इज्जत करते हैं, तो वल्ला आप जो हैं जहीर को माफ़ करवा दें और पैचअप करवा दें। तो उन्होंने कहा कि अव्वल तो मैं होता कौन हूँ कि मैं पैचअप कराऊँ, दूसरा चलें दो लोगों को मिलाने के लिए सवाब के काम से मैं दाखिल हो भी जाऊँ, तो जो इस लड़के ने काम किया है, जो इसने लड़की को अगवा किया है, मैं एक नहीं तीन बेटियों का बाप हूँ, मैं कैसे प्रमोट कर सकता हूँ उस भेड़िए को, दरिंदे को, जो बच्चियों को अगवा करके ले जाए अपने मजमूम मकासद के लिए। तो जीएन कुरैशी साहब ने जो है मना कर दिया, और जनाब जीएम फारूकी जो हैं वो क्या कहते हैं पंजाबी में, तल्ले करते रहे। जीएम फारूकी साहब जो हैं वो बाकायदा मिन्नत के अंदाज़ में कहते रहे कि इस मामले को ख़त्म करवा दें, छुड़वा दें, और अब सुनने में यही आ रहा है कि किसी भी वक्त जीएन फारूकी साहब जो हैं वो भी इस केस से पीछे हट जाएंगे, यानी कि जनाब जिसने जितना कमाना था कमा लिया, वकीलों ने अपनी फ़ीस ले ली, और जितना अब जब उनको नज़र आ रहा है कि अब इस केस में सिवाय हार के, सिवाय शर्मिंदगी के कुछ नहीं है, तो आहिस्ता आहिस्ता सब पीछे हटते जा रहे हैं। इसी तरह डॉक्टर फातिमा रियाज, जिसको प्लांट किया गया था इस सारे सीन के अंदर, जो बाकायदा जिस वक्त वो आई थी तो उस वक्त ये बगले बजा रहे थे, ढोल बजा रहे थे कि जैसे पता नहीं अब केस को क्या होगा, लेकिन कहते हैं ना कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, उस खातून का आना जो है वो भी बाइस रहमत हो गया मेहदी काजमी साहब के लिए, क्योंकि बहुत सारे चेहरों से नकाब उतर गई और लोगों को पता चल गया कि गेंग जो है वो कितना पावरफुल है, वो क्या क्या कर सकता है, किस तरह से लोगों को खरीद के इस टीम में शामिल कर सकता है, बच्ची तक रसाई कर सकता है। और उस खातून ने अपनी कई फ़ोन कॉल्स में, जो एक यूट्यूबर को फ़ोन पर बात करती हैं, उस पे इंटरव्यू देते हुए बताया कि बच्ची जो है वो अपने माँ बाप के हक़ में बहुत है, और बच्ची जो है वो चाहती है कि उड़ के किसी तरह से अपने वालदैन के पास पहुँच जाए, अपने घर पहुँच जाए, ले। और उस बच्ची ने इस चीज़ का इजहार भी किया डॉक्टर फातिमा रियाज से, तो डॉक्टर फातिमा रियाज ने कहा कि बेटा अभी केस क्योंकि अदालतों में चल रहा है, तो अभी अदालत से ही आपका फ़ैसला होगा, क्योंकि ये इतना हाई प्रोफाइल केस है कि पूरी दुनिया के लोग जो हैं इस केस पर नज़र जमाए बैठे हैं, और चार चार जज जो हैं इस केस में इन्वॉल्व हैं, जैसे कि आपने देखा कि सलाहुद्दीन पवन की अदालत में केस चला, इकबाल कलोड़ों की अदालत में केस चला, और अपना आफ्ताब बोगियो साहब की अदालत में केस चला, आपने देखा कि एक फैमिली कोर्ट में जो खातून जज हैं, तो चार चार जजों के जजेज़, और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस गया। तो बेटा ये केस का हल होगा इंशाल्लाह, तुम अपने वालदैन के पास जाओगी, लेकिन क्योंकि ये इतना हाई प्रोफाइल केस है, इतने सारे जज इसमें इन्वॉल्व हैं, तो बाकायदा कानूनी कार्रवाई, कानूनी चाराजोई के बाद ही आप जो है
वहाँ अपने वालदेन से मिलेंगी। तो ये डॉक्टर फातिमा रियाज तो इनकी प्लांटेड आई थी और फातिमा रियाज इनकी तरफ से आई थी, लेकिन वो मेहदी काजमी साहब के लिए ही अच्छा हो गया कि इनकी खातून, इनकी तरफ से आई हुई खातून ने बहुत कुछ उगल दिया। तो अब जब इस खातून के पास, बेचारी के पास बोलने को कुछ नहीं है, तो बेचारी अपना बैंक बैलेंस दिखा रही है और कुछ नहीं, तो मेहदी काजमी साहब के जो तायाजाद भाई हैं, ताहिर भाई, जो हमारी लाइव में आते हैं और हम जब वो आते हैं तो हम खुद ही उनका तारुफ़ कराते हैं कि वो मेहदी काजमी के बड़े भाई हैं, तायाजाद भाई हैं, इनके ताया के बड़े बेटे हैं। तो ये अब ये आवाम को नया चूरन दे रही है कि ताहिर अली कौन है, मैं इसके बारे में बताऊंगी। ओ बीवी, अल्लाह को मानो, खुदा से डर लो, अभी भी तौबा तिल्ला कर लो, देर नहीं हुई है, सच्चे दिल से माफ़ी मांगोगी अल्लाह से तो अल्लाह भी माफ़ कर देगा, और जो जिनका तुमने दिल दुखाया है शायद उनके दिल में अल्लाह रहम भी डाल देगा, क्योंकि तुम्हारा जो जुर्म है, जो तुमने किरदार कशी की है मेहदी काजमी की, उसके घर की औरतों की, जो तुमने इस बच्ची को वरगला के बहका के घर से निकलवाया, अगवा करवाया, वो जराइम तुम्हारे काबिले माफ़ी तो नहीं हैं। लेकिन बहरहाल, अगर शायद तुम सच्चे दिल से तौबा कर लो, माफ़ी मांग लो, तो तुम्हें अल्लाह जो है सबके दिलों में रहम डाल दे और तुम्हें माफ़ कर दिया जाए। अब देखते रहिए, ये बुढ़ी चाची 420 की जो चालें हैं वो सारी पलट के इसकी तरफ आ चुकी हैं और अब इस बेचारी के पास आपसे बात करने के लिए कुछ नहीं है, लोगों को बहकाने वरगलाने के लिए कुछ भी नहीं है। और कल बहुत जो है वो सिक्सर्स की तरह तालियां बजा रही थी, बेचारी की शक्ल तो वैसी हो ही गई है और तालियां बजा के कन्फर्म हो ही लगती है। अपना अपने अतराफ़ में बसने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुशियाँ बाँटिए, खुशियाँ समेटिए, ज़ालिम से नफ़रत कीजिए, मज़लूम का साथ दीजिए। इजाज़त दीजिए, अगले किसी नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगी। इजाज़त दीजिए अपनी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा को, अल्लाह निगेबान।